गाय और शेर की कहानी। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गायें नहीं दिखी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई है और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। मू ऊ ऊ, आज मुझे जाने दो, मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूं, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। Thanks for the watching. Kumarth Kids Story. Please like and share, subscribe and hit the bell icon for the latest.